आपका क्वेश्चन है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार मस्ट द ट्रेन ट्रेवल्स द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। नाउ देखो इसने क्या क्या बोला है वो हम लिख लेते हैं पहले। तो इसने फर्स्ट कहा 120 किलोमीटर्स ऑन अ ट्रैक, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर्स। तो दैट मीन्स अगर आपका देखो दिस इज योर ट्रैक, दिस इज 120 किलोमीटर्स, ठीक है। नाउ अब इसने देखो क्या बोला है, फर्स्ट 30 किलोमीटर्स में यूनिफॉर्म स्पीड इज 30 किलोमीटर्स पर आवर, दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज योर 30 एंड दिस इज योर 120। तो रिमेनिंग कितना है ये आपका 90 किलोमीटर है ना, एंड दिस इज योर 30 अप टू योर 30। तो यहां पर इसका स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग स्पीड एंड द टाइम। यहां आपको स्पीड निकालना है एंड टाइम टू गेट अ एवरेज स्पीड। तो आपका एवरेज स्पीड क्या आना चाहिए, देखो क्या दिया है, टू गेट द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एवरेज स्पीड आना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमको ये दोनों निकालने हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, वी विल गो फ्रॉम एवरेज स्पीड। तो आपका देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इज योर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड दे हैव गिवन यू 60, तो यहां पर वैल्यू पुट करो 60, टोटल डिस्टेंस इज 120, 120 बाय टोटल टाइम वी विल टेक इज एट टी। नाउ तो टी आपका देखो कितना हो गया, 120 बाय 60 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो टोटल टाइम इज 2 आवर्स, ठीक है। नाउ अब देखो फर्स्ट ट्रेन ने कितना टाइम लिया है, 30 किलोमीटर इन 30 किलोमीटर पर आवर, वो उसका स्पीड है। तो आपका देखो स्पीड के हिसाब से आप निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो फर्स्ट पार्ट में अप टू हियर उसने क्या लिया, देखो कितना टाइम लिया, तो वी विल टेक आउट द टाइम, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 30 एंड द स्पीड इज ऑल्सो 30 है ना, 30 एंड 30, तो दैट इज इक्वल टू 1 आवर। तो रिमेनिंग जो 90 किलोमीटर में है उसमें कितना टाइम लगना चाहिए, देखो टोटल इज 2 आवर्स, That is 2 minus 1 is 1 hour. तो remaining time is equal to 2 minus 1 that is equal to 1 hour for 90 kilometers. तो अब उसका speed कितना होगा हमारा, we have to find out that. तो 90 किलोमीटर में आपको सेम करना है, तो t इज इक्वल टू, t इज 1 आवर, डिस्टेंस इज 90 एंड द स्पीड इज सपोज s स्पीड। तो स्पीड कितना हो गया, देखो 90 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड, तभी आपका एवरेज स्पीड कितना मिलेगा, 60 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो आपको इस तरह से इसको करना है।